नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में हिनोतिया में एक अधेड़ ने अपने घर की 2 मंजिला इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गुरफान नाम के एक शख्स ने छत का दरवाजा अंदर से लगाकर छलांग लगा दी, जिससे उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और मुंह में भी चोट आई थी। आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी उमेश चौहान ने बताया कि मृतक खुदकुशी करने से पहले अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया था और वापस आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने ससुराल के घर में ही रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक मृतक का उसके ससुराल में विवाद चल रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसी के चलते उसने सुसाइड किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि अभी परिजनों के बयान नहीं हुए हैं, मर कायम कर लिया है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, एक मर्ग हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, क्या पूरा मामला? कल करीब 3 बजे हल्दिया अस्पताल से सूचना मिली थी, गुफरान पिता मुस्ताक, उम्र इनकी 40 साल की है, ये हमारे हिनोतिया में रहते हैं, सिंगवा होटल वाली गली में। तो बोले इनको घर वाले लेके आए हैं, जो यहाँ चेक करने पर मृत पाए गए। जिस पर से हमने अपने आईयू को भेजा था लिखिया, घटनास्थल भी देखा था, तो घटनास्थल पर जो लोगों से पूछताछ से पता चला कि ये अपनी बच्ची को छोड़ के स्कूल से आए थे वापस। वापस आने के बाद ये सीधा जीने पर गए हैं और जीने पर इनने फिर कुंडी लगा ली। अब उसके बाद वो वहां से कूदे हैं और कूदने के बाद नीचे गिरे हैं, तो इनके दोनों हाथों में भी फ्रैक्चर है और मुंह नाक में भी चोट है। तो अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये कूदे हैं ऊपर से, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। कारण क्या है ये जांच कर रहे हैं। कल पत्नी के बयान लेने का प्रयास किया था तो पत्नी उनकी बेहोश थी और कल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए भी पत्नी का बयान नहीं हो पाया। और परिवार में केवल इनकी पत्नी रहती थी, इनका एक बच्ची थी और नीचे दो किराएदार रहते हैं। अब जांच कर रहे हैं कि ससुराल में रहते थे, ससुराल से जो घर मिला था इनको। हाँ, ससुराल से इनको घर मिला था, लेकिन ससुराल के यहाँ कोई सदस्य नहीं रहते थे, केवल ये रहते थे, इनकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। 2 मंजिल मकान था, ऊपर के हिस्से में रहते थे, नीचे तो किराएदार। अच्छा, की बताया ही जा रहा है इनके जो परिजन है मृतक के, उनका कहना है कि ससुराल वाले परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। नहीं, अभी किसी के इसमें बयान हुए नहीं है और अभी हमसे तो ऐसी कोई किसी ने शिकायत भी नहीं की है, और जैसा तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।